डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस या रेडिक्स जो होता है वो होता है टेन और इसमें जो डिजिट्स यूज़ होते हैं वो जीरो से नाइन तक यूज होते हैं इसके बाद अब आ जाता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस और जो रेडिक्स होता है वो होता है टू और उसमें जो डिजिट्स हैं वो कैसे हम काउंट करते हैं जीरो से आर माइनस वन अब बाइनरी में आर जो है वो टू है इसका मतलब जीरो से ये टू माइनस वन हो जाएगा और जो डिजिट्स होंगे वो जीरो और वन ही यूज होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएंगी वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन इसकी बेस टू इसके अलावा वन वन जी वन और इसकी बेस टू ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन 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 इसकी बेस टू तो ये तमाम एग्ज़ाम्पल जो हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम की हैं इसके बाद अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं जी हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम हम देखने लगे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल मींस एट होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स जो यूज होते हैं वो एट डिजिट्स यूज, हो, यूज होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इसका बेस और रेडिक्स जो होता है वो होता है एट अब हम इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज होते हैं वो कैसे काउंट करेंगे जीरो से आर माइनस वन आर हमारे पास एट है तो जीरो से एट माइनस वन और एट माइनस वन हमारे पास आ जाएगा जीरो से सेवन तक तो इसमें जो डिजिट्स आएंगे वो आएंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन दीज आर द एट डिजिट्स दैट आर यूज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट एनी डेटा सेट अब ये जो एट डिजिट्स हम यूज करने वाले हैं इनकी एग्जाम्पल किस तरीके से होगी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल्स वन टू थ्री फाइव सेवन इसकी बेस एट टू टू थ्री फाइव सिक्स सेवन इसकी बेस एट वन थ्री सेवन सिक्स टू इसकी बेस इसकी बेस एट तो ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए से हम जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसको देख सकते हैं इसके बाद आता है जी हेजा डेसीमल नंबर सिस्टम हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो हेक्सा मींस सिक्स डेसिमल मीन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं डेसिमल मीन्स टेन तो टेन प्लस सिक्स इक्वल्स सिक्सटीन तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स यूज होते हैं वो होते हैं सिक्सटीन एग्जाडेसिमल नंबर सिस्टम में जो यूनिक डिजिट्स यूज होते हैं वो होते हैं सिक्सटीन सो द बेस एंड रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज सिक्सटीन अब ये सिक्सटीन डिजिट्स कैसे हमें पता लगेंगे उसके लिए ज़ीरो से लेके हम फार्मूला यूज करते हैं आर माइनस वन का जीरो से आर माइनस वन जो है उसमें हम आर की जगह पे लिख देंगे सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस वन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो से फिफ्टीन तक लेकिन यहां से जब हम देखें तो जीरो से फिफ्टीन डिजिट्स बनते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये हमारे डिजिट्स बनते हैं जीरो से फिफ्टीन तक बट जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो सारे नंबर ऐसे यूज नहीं करता हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर यूज होते हैं वो होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन के बाद जो टेन होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं इलेवन को बी से ट्वेल्व को सी से थर्टीन को डी से फोटीन को ई e से एंड फिफ्टीन को एफ से ये तमाम नंबर्स हैं जिनके ज़रिए से हम हैगजा डैसीमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम इनको काउंट करें तो ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो ज़ीरो से लेकर फिफ्टीन डिजिट्स तक जो आते हैं ये टोटल हमारे पास सिक्सटीन डिजिट्स हैं जिनके जरिए से हम हैगजा डैसीमल नंबर सिस्टम को रिप्रजेंट करते हैं इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखें तो एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास आ जाती हैं फोर डी e, ई इसकी बेस सिक्सटीन वन टू एफ इसकी बेस सिक्सटीन वन एफ डी इसकी बेस सिक्सटीन इसका मतलब ये है कि इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास है पहली एग्ज़ाम्पल फोर डी ई इसकी बेस सिक्सटीन है इसका मतलब ये है कि फोर डी की जगह पे हमारे पास है अगर हम यहां पे देखें तो डी की जगह पे है हमारे पास थर्टीन और ई की जगह पे है हमारे पास 14 इनकी टोटल की बेस है सिक्सटीन तो हमारे पास जो डिजिट बनता है वो है फोर वन थ्री वन फोर इसकी बेस सिक्सटीन सेम इन एग्जांपल में भी ऐसे ही है एफ की जो कोरिस्पोंडिंग जो नंबर है वो शो करेंगे और डी का या कोई भी अल्फाबेट जो है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा उसको हम डिनोट करेंगे ये वो मेथड्स हैं जिनके जरिए से हम बाइनरी नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं डिफरेंट डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए